पिछले साल 10 दिसंबर को चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के एक पैसेंजर ने इमरजेंसी गेट खोल दिया था, जिससे फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। मंगलवार को DGCA ने आधिकारिक रूप से इस बारे में जानकारी दी है और बताया कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि एक शख्स ने दावा किया है कि बेंगलुरु साउथ से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने इमरजेंसी गेट खोला था। हालांकि DGCA ने यात्री का नाम नहीं बताया।